डायनासोर कैसे खत्म हुए ये हम जानते हैं। 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती से एक बड़े उल्कापिंड के टकराने के बाद खत्म हो गए। ये उल्कापिंड इतना बड़ा था कि जब ये धरती की कक्षा में आया तो किसी आग के पहाड़ की तरह दिखा होगा। इस टक्कर के बाद धरती की सतह से कई चीजें अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल में चली गई, जिन्होंने सूर्य से आती रोशनी का रास्ता रोक लिया और डायनासोर का राज धरती पर से खत्म हो गया। लेकिन आज हम इस वीडियो में डायनासोर के साम्राज्य की बात करेंगे कि उन्होंने कब तक धरती पर राज किया था। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माना जाता है कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के दौरान अस्तित्व में आए। ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें ठंड पसंद थी जिसके कारण ये उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। जब ट्रायसिक काल समाप्त हुआ तो 1 लाख साल की अवधि में ही पृथ्वी पर जमीन पर रहने वाले और समुद्री जीवों के 3/4 जीव खत्म हो गए। कछुए और बिल में रहने वाले कुछ स्तनधारी जीव बच गए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस समय तबाही कैसे मची थी। ये विस्फोट ऐसा था जो सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। यही वो समय था जब महाद्वीप टूटने लगे थे। एक स्टडी में कहा गया है कि इस तबाही के बाद से ही डायनासोर ने धरती पर कब्जा जमा लिया। इस तबाही के दौरान ज्वालामुखी का धुआं वायुमंडल में फैला, जिसके कारण पूरी धरती ठंडी हो गई। इस कारण ठंडे खून वाले सरीसृप मारे गए। उनके धरती पर राज करने का कारण बहुत सरल है, क्योंकि वे मूल रूप से ठंड के प्रति अनुकूल थे। जब हर जगह ठंड हो गई तो वे उसके लिए तैयार थे, लेकिन बाकी जीव तैयार नहीं थे। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर एक दौर ऐसा भी था जब डायनासोर यहाँ राज करते थे, खास तौर से टीरेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स, जो लंबी गर्दन के डायनासोर होते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बात तकरीबन 6.8 करोड़ साल पुरानी है। हालिया रिसर्च से ये पता चला है कि उस वक्त धरती पर टीरेक्स डायनासोर की संख्या तकरीबन 170 करोड़ थी, यानी कि भारत की वर्तमान आबादी से भी ज्यादा। फिलहाल भारत की आबादी 140 करोड़ है। ये आंकड़ा डायनासोर के औसत वजन, जनसंख्या घनत्व, अंडों की संख्या, औसत जीवन आदि पर अलग अलग हुए रिसर्च के आधार पर बनाए गए मॉडल से किया गया है। खास बात यह है कि रिसर्च में सामने आया कि प्रत्येक टीरेक्स की पीढ़ी में तकरीबन 19,000 डायनासोर होते थे। ऐसी तकरीबन 90,000 पीढ़ियां थी जिन्होंने तकरीबन 2.5 मिलियन वर्ष तक धरती पर राज किया। इससे पहले नवंबर 2022 में एक शोध में सामने आया था कि धरती पर जो सबसे बड़ा टीरेक्स था वह जीवाश्म स्कॉटी से तकरीबन 70% बड़ा था। इनकी गति के बारे में भी एक अहम रिसर्च की गई थी। इसमें बताया गया था कि इनकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही होगी। कुछ रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि विशाल डायनासोर पक्षियों की तरह उड़ भी सकते थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।